नमस्कार दोस्तों, वापस स्वागत है आपका हमारे चैनल बंक स्ट्रीट में। मैं हूं समर बेसानी और यहां पर डिस्कस करेंगे IASbaba के डेली करंट अफेयर्स अगस्त 2019 के लिए। पूरा मंथली मैगजीन जो आता है, तो पूरा महीना का मैगजीन यहां पर आप लोग को मिल जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां पर देखने में देखिए क्या क्या टॉपिक यहां पर मेजर जो डिस्कशन है वो देखिए। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जो था, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर जो है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल आ गया 2019 का वो है, नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी के बारे में काफ़ी यहाँ पर डिस्कशन हुआ है, ग्लोबल रिसेशन एंड स्लोडाउन जो है, और लास्ट में आता वाटर गवर्नेंस स्टडीज़। तो ये सब के बारे में यहाँ पे डिस्कशंस हुआ है। अब आगे बढ़ के यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें के बारे में बातें की गई हैं। तो सबसे पहले कंटेंट्स में देखिए, अच्छे से बहुत अच्छा डिवीज़न होता है यहाँ पे। अगर आप मंथली डेली अगर आप IASbaba के करंट अफेयर्स नहीं पढ़ सकते तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत एक डिवीज़न देखने को आपको मिलता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल इशू जो होता है, वुमेन इशू, हेल्थ इशू, सबके ऊपर अलग अलग टॉपिक यहाँ पे किया हुआ। तो सबसे पहले हिस्ट्री को आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये वीडियो में, क्योंकि अगर एक ही मैंने पूरा वीडियो बना दूंगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ हिस्ट्री को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको दूसरा वीडियो देखना है तो वीडियो के एंड में जो आपको ये मिलेगा, थंबनेल मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री का यहाँ पे जो डिस्कशन है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टॉपिक है वो दिया है इंडस स्क्रिप्ट के बारे में। तो इंडस स्क्रिप्ट के बारे में बताया गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वहाँ पे काफ़ी कुछ हम लोग को देखने मिलता है, आइवरी टैबलेट्स पे, दीवार पे, तो उस सब के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। डिस्कवर्ड फ्रॉम नियरली 4000 एंशंट इंस्क्राइब्ड ऑब्जेक्ट्स, मतलब लगभग 4000 उनके पास एंशियंट इंस्क्राइब्ड ऑब्जेक्ट है, जिसमें कि सील आता है, टैबलेट आता है, आइवरी के रेड आते हैं, पॉटरी के शार्ड आते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या होता है, इंडस इंस्क्रिप्शन जो है वो एक ऐसा चीज़ है जो कि मतलब हम लोग को इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पुराना इतिहास जो है वो बता सकता है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इस इंस्क्रिप्शंस को हम लोग कभी भी डिसिफर नहीं किए, मतलब इसको अभी तक हम लोग पढ़ने का कोशिश नहीं किए। क्यों कोशिश नहीं, क्योंकि अभी तक हम लोग को इस तरह का जो टेक्स्ट है उसके बारे में कोई भी तरह का नॉलेज है नहीं, और हम लोग बेसिकली इसको इग्नोर कर देते हैं। जो भी इंडस स्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ उस चीज़ को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। आगे यहाँ पे बढ़ के बोला गया है कि यहाँ पे एक नया रिसर्च ये बोला जाता है कि ये जो इंस्क्रिप्शन है वो लोगोग्राफिकली लिखा गया है। लोगोग्राफिकली का मतलब है कि अगर आपको कोई चीज़ बताना है दुनिया को तो आप उसको सिंबल्स के द्वारा आप डिफेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो है वो फोनोग्राम नहीं है। अब फोनोग्राम क्या होता है, काफ़ी लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे फोनोग्राम का क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जब मॉडर्न कॉलिंग टेक्निक से जब तक रिकॉर्डर टेप्स नहीं आए थे, उससे पहले भी हम लोग ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते थे। उसका एक अलग टेक्निक होता था, बेसिकली एक शीट पे या फिर एक हार्ड कुड के ऊपर अलग अलग तरह का होल्स बनाया जाता था, पंच मार्क रहता था, और उसको एक मशीन के थ्रू क्रॉस कराया जाता था। उसमें जब हवा पार होता था तो उससे आवाज़ निकलती थी और उसको हम लोग यहाँ पे फोनोग्राम कहते थे, स्पीच साउंड यूनिट को कहा जाता है। ये जो है ये बोला जा रहा है कि ये जो इंस्क्राइब्ड सील और टैबलेट्स है ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन के तहत यूज़ की जाती थी। इसके अलावा यहाँ पे मतलब ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन जिसमें कि कमर्शियल ट्रांजेक्शन होता था। बेसिकली आपको अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन से कोई और सिविलाइजेशन में आपको ट्रेड करना है तो उसके लिए स्क्रिप्ट का सील का यूज़ किया जाता था, बेसिकली यही कहा जा रहा है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये रिसर्च जो है वो ये कहता है कि अभी का जैसा करेंसी नोट होता है उस तरह का मैसेजेस तब का जो सील था उसमें मतलब होता था। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल बहुत खूबसूरत दिया हुआ है किस तरह से सील्स जो है वो अभी का करेंसी नोट्स को डिफेक्ट करता है। देखिए बहुत खूबसूरत एक ऊपर में लोगो है जिस तरह का हम लोग का लोगो होता था, और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है जो कि अभी का करेंसी का नोट जो है वो हो सकता है। तो ये है सील्स के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इसके बाद आएंगे यूरेनियम माइनिंग में, तो इसका वीडियो मैंने बनाया था। यूरेनियम माइनिंग में क्या कहा जा रहा है कि एक जॉइंट फोरम है, जॉइंट फोरम फॉर पीपल डेमोक्रेटिक राइट, एक सिविल सोसाइटी ग्रुप है, ये यूरेनियम की माइनिंग के अगेंस्ट लड़ाई कर रही है। कहाँ पर लड़ाई कर रही है, तो आंध्र प्रदेश में एक पहाड़ का रेंज है, नल्लामाला रेंज, वहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रही हैं। क्यों ऐसा प्रोटेस्ट कर रही हैं, ये बोल रही हैं कि वहाँ की जो रीजनल ट्राइब है जिसका नाम चेंचू ट्राइब्स, तो चेंचू ट्राइब्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इससे इफेक्ट होंगी। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो यूरेनियम माइनिंग है उसका ऑफकोर्स कुछ प्रोडक्ट्स बच जाता है, कुछ रेडियो एक्टिव चीज़ें बच जाती हैं, तो एक्चुअली क्या करना चाहिए, उसको वापस से आपको ग्राउंड में दफनाना होता है। लेकिन बोला ये जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ख़राब काम कर रही है, वो क्या करती है यहाँ पे माइनिंग करती है, माइनिंग करने के बाद जो वेस्ट उसका बच जाता है उसको बाहर ऐसे छोड़ देती है। तो होता क्या है कि वो ह्यूमन से ज़्यादा इंट्रैक्शन में आती है, और उसके बाद क्या होगा कि ये ह्यूमन्स के जो डीएनए जो है उसके साथ छेड़छाड़ करेंगी। ऑफकोर्स आप लोग को पता होगा अल्फ़ा बीटा गामा रेज तरह का बहुत हार्मफुल रेज होता है जो कि निकलता है यूरेनियम से, तो ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन्स के साथ जो है वो खिलवाड़ एक तरह का हो सकता है। तो ये चीज़ बोला जा रहा है यहाँ पे, बोला जा कि नल्लामाला में जब बारिश होती है तो उसका सारा पानी जो है वो कृष्ण रिवर में जाकर के गिरता है, और अगर ऐसा कुछ भी होता है कि किसी भी तरह का रेडियो एक्टिव वेस्ट अगर वो कृष्ण रिवर में जाकर गिरेगा तो वो पूरा रिवर को पॉल्यूट कर सकता है बहुत खराब कंडीशन में। अब इसके बाद ये बोला जा रहा है
कि एक जादू गोड़ा जगह का नाम है सिंगबूम थ्रस्ट बेल्ट में, वो जो है वो पहला यूरेनियम डिपॉजिट था जो कि 1951 में डिस्कवर किया गया था। भारत में सिर्फ 3% पावर जो है वो यूरेनियम प्रोवाइड करती है, जो सबसे ज़्यादा यूरेनियम का हम लोग को पावर जो डिपॉजिट मिलता है, यूरेनियम का डिपॉजिट मिलता है, वो ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान और कनाडा में दिखाई देता है। शुसेयासू बेसिन जो कि सेंट्रल कजाकिस्तान में पड़ता है, ओलंपिक डैम और रेंजर माइन जो कि साउथर्न ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट माइंस है वर्ल्ड में। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हाई ग्रेड जो डिपॉजिट है यूरेनियम का वो अथाबास्का बेसिन में मिलता है जो कि कनाडा में हम लोग को पड़ता है। इसके बाद आते हैं हिस्ट्री में जो थर्ड टॉपिक है यहाँ पे, वो है कच्छ डेजर्ट के बारे में। तो क्या है कच्छ डेजर्ट के बारे में वो देखेंगे, ये जीएस प्रीलिम्स जीएस मेंस पेपर वन एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग को आएगा। और यहाँ पे क्या है कि जो रिसेंट स्टडी है वो ये बोलता है कि जो कच्छ है वो बहुत समय पहले क्या था, एक ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट था, मतलब वो एक जंगल हुआ करता था। यहाँ पे बहुत तरह के बर्ड्स, फ्रेश वाटर फिश और जिराफ और राइनोज यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलते थे। जो ये फॉसिल वहाँ पे खोजा गया, अभी देखिए कहाँ पे खोजा गया वो बता देता हूँ मैं, पलासावा विलेज जो है जो कि रापर तालुक कच्छ में एक जगह है गुजरात, जो कि कच्छ जो कि गुजरात में पड़ता है, वहाँ पे पलासावा विलेज है एक, वहाँ पे अभी हम लोग को बोन्स और टीथ और रिब्स के कुछ पार्ट हम लोग को देखने को मिले हैं। यहाँ पे ये जो रिब्स और जो फॉसिल्स है बेसिकली वो हम लोग को ये बताता है कि हम वहाँ पे एक ऐसा एनिमल्स का स्पीसीज या फिर ऐसा इकोलॉजिकल सिस्टम था जो कि वार्म ह्यूमिड ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में रहने के लिए बना था। और ये कितना समय पहले था यहाँ पे बता दिया जा रहा है कि मिडिल मायोसीन एक एरा होता है, पूरा टाइम पीरियड होता है, तो मिडिल मायोसीन लगभग 14 मिलियन ईयर्स अगो आता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो मोस्ट यहाँ पे फॉसिल्स हम लोग को देखने को मिला उस जगह में वो मोस्टली मरीन ऑर्गेनिजम्स का था, ठीक है। ऐसा क्यों यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि ये अरेबियन सी के पास था। अब ये बोला जा रहा है कि जियोलॉजिकल जो भी चेंजेस हुए हैं उसमें क्या हुआ है कि ये जो जगह है वो पानी से कट गया, पानी से अलग हो गया, और अधिकतर यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे अब बस जो सॉल्ट है वो बच चुका है पूरा रीजन में, और अब इस वजह से क्या हुआ ये खारा रेगिस्तान बन के रह गया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है सिग्निफिकेंस क्या है इस फाइंडिंग्स का, तो कच्छ जो है वो एक बहुत अच्छा ट्रेजर ट्रोव है। बोला जा रहा है कि यहाँ पे बेसिकली हम लोग को बहुत तरह के मैमल्स का फॉसिल यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और बेसिकली वर्टिब्रेट का फॉसिल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है शिवालिक में। शिवालिक कहाँ पे है, तो नेपाल से पाकिस्तान में जो रेंज है उसको शिवालिक कहा जा रहा है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये हम लोग को ये भी बताता है कि किस तरह से जो हम लोग का इंडिया है वो पहले जब गोंडवाना लैंड अलग नहीं हुआ था तो किस तरह से इंडिया और अफ्रीका के बीच में खूब ज़्यादा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो स्प्रेड था पूरा सुपर कॉन्टिनेंट में, किस तरह से अफ्रीका और इंडिया बहुत ज़्यादा मिला हुआ था हम लोग का, कैसे इकोलॉजिकल जो सिनेरियोज़ है वो सेम है। अब इसके बाद आता है कजिन सारा लेक के बारे में लोग बात करेंगे। तो देखिए एक नया लेक है जो कि नेपाल में उसको डिस्कवर किया गया है, ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा लेक है, और जो टीम इसका मेजरमेंट ली है वो 5200 मीटर का है। देखिए अभी तक ये अनऑफिशियल है लेकिन हो सकता है कि ये सच हो जाए। ये एस्टिमेट किया जा रहा है 1500 मीटर लंबा है, 600 मीटर चौड़ा है, और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अभी जो तिलीचू लेक है जो कि फिर नेपाल में ही आता है वो सबसे ऊंचा लेक है अभी, ये 4919 मीटर में आता है, ये नेपाल में है। और ये जो आप नीचे फ़ोटो देख रहे हैं ये हम लोग का यूरेनियम डिपॉजिट जो इंडिया में है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो दोस्तों इसके बाद आते हैं हम लोग हिस्ट्री में, एक जो हम लोग का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें एक और आएंगे प्रिस्टीड्स मीटियोर शावर के बारे में। तो प्रिस्टीड मीटियोर शावर क्या होता है, ये मीटियोर शावर है जो कि ऑफकोर्स रात में देखने को मिलता है। ये बोला जा रहा है कि जुलाई के अंतिम में ये स्टार्ट होता है और अगस्त 13 के पास अगस्त में ये पूरा पीक में चला जाता है, काफ़ी ज़्यादा ये दिखाई देने को मिलता है। ये क्यों दिखाई देता है, देखिए जब अर्थ एक कॉस्मिक डस्ट से पार करता है, कॉस्मिक डस्ट क्या होता है, ऑफकोर्स जो स्पेस है उस पर काफ़ी तरह का कॉस्मोस जो हम लोग कॉमेट्स है वो घूमते रहते हैं, तो वो अपने पीछे कॉस्मिक डस्ट छोड़ के जाते हैं। वो कॉस्मिक डस्ट से जब ये क्रॉस करता है तब हम लोग को ये दिखाई देता है। और हम लोग किस कॉस्मिक डस्ट से क्रॉस करते हैं, देखिए स्विफ्ट टर्टल नाम का एक कॉमेट है उससे हम लोग जब क्रॉस करेंगे तो ये कॉस्मिक डस्ट हम लोग को दिखाई देगा। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो प्रेस्टीड्स है ये बहुत ज़्यादा एस्ट्रोनॉमर्स और स्टारगेजर्स के द्वारा देखा जाता है, और ये अगर बोला जाता है कि अगर एक अंधेरा जगह पर आप बैठे हुए तो आप लोग 1 घंटे में लगभग 60 से 100 मीटियोर्स जो है वो आप देख सकते हैं। ये बोला जा रहा है कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखा जा सकता है, हर तरफ यहाँ ये दिखाई देता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ऑफकोर्स साउदर्न हेमिस्फीयर में या फिर इक्वेटर के पास ये काफ़ी कम जो है वो दिखाई देगा। नासा ये एक्सप्लेन करता है कि जो मीटियोर शावर्स है वो अपना नाम जो है वो रेडिएशन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसके ऊपर लेते हैं, जैसे कि प्रेस्टीड जो है वो कॉन्स्टिलेशन पर्सेस से अपना नाम लेता है। इसके अलावा जो जेमिनिड मीटर शावर है जो कि दिसंबर में देखा जाता है, ये कॉन्स्टिलेशन है जेमिनी, उससे अपना नाम जो है वो लेता है। चलिए इसके बाद है पॉलिटी गवर्नेंस, तो इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियोस देखने के लिए हमारे यहाँ पे जो वीडियो का टैब है उसमें क्लिक कीजिए, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए चेक कीजिए, और इसके अलावा आप हमारा प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, हैव अ नाइस डे।